राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को सम्मानित किए जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित अमृत काल की ओर नामक पुस्तक का किया विमोचन। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमान कंपनियों को हवाई किराए में वृद्धि पर अंकुश लगाने की सलाह दी है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से मुंबई में शुरू। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अगुवानी सुल्तानगंज पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा बालासोर रेल हादसे की जांच सीबीआई को सौंपकर की जा रही है लीपापोती। नमामि गंगे योजना के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुंगेर के सोजी घाट में गंगा आरती का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं है। तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस रहने की है संभावना। और भारतीय क्रिकेट टीम कल से लंदन के ओवल में ऑस्ट्रेलिया के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा।